हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और मेरे चैनल वी ईटेबल्स को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें उसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। गाइस, दिस इज़ अर्पिता। टुडे आई एम गोइंग टू मेक सूजी टोस्ट और रवा टोस्ट, जो कि बनाना बहुत ही ईजी है और घर की मलाई से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिए है मलाई, जो दूध पर आने वाली ये नॉर्मल मलाई है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप मार्केट वाली क्रीम भी ले सकते हैं। ये कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, टमाटर लिया है। ये मैंने दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, मैंने वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये अनियन लिया है मैंने, प्याज, ये लिया है मैंने रवा, आप सूजी या रवा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन चिली लिया है मैंने, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली स्किप कर दें। और ये मैंने लिया है टोमेटो केचप, ये मैंने इटालियन सीजनिंग ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं बोल में ये मलाई डाल दूँगी। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये कैप्सिकम, अभी ये टोमेटोज़ भी मैं इसमें डाल दूँगी, अभी ये रवा डालूँगी, अनियन, ये ग्रीन चिली, और अभी इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटो केचप। देखिए, ये टोमेटो केचप मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मैंने नमक डाल दिया इसमें। अभी ये सीजनिंग मैं डालूँगी, ये देखिए ये इटालियन सीजनिंग है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये मिक्स हो चुका है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। ये दूध थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि ये बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना रखना है कि ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अभी मैं ये ब्रेड पे इसको स्प्रेड करूँगी, ये देखिए पूरी ब्रेड पे अच्छे से फैला कर इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से लग चुका है पूरी ब्रेड पर। अभी मैं इस ब्रेड को रख दूँगी और तवा गरम करूँगी। ये देखिए, मैंने तवा गरम होने रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सा इस पर घी लगाऊँगी, बस तवे को ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा घी हमें ऐड करना है। अभी ये ब्रेड मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और एक मिनट तक सिम गैस पर इसको सिकने देंगे। अभी इसको पलट देंगे, ये मैंने इसे पलट दिया, और पलट कर इसको दबाते हुए सेकेंगे, इसे भी एक मिनट तक सिकने देंगे। इसको वापस दबाएंगे और अभी हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है और बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अभी वापस सेकेंगे, देखिए ये टोस्ट हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अभी दूसरा टोस्ट भी हम इसी तरह से सेकेंगे और अब हम इस पर कोई घी नहीं लगाएंगे। ये देखिए, अभी इसको पलट देंगे, वापस दबा कर सेकेंगे। फिर से पलट देंगे, ये टोस्ट भी हमारा सिक चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ
और अभी इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए अभी मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर दूँगी, काफ़ी क्रिस्पी है और अच्छे से कट हो जाएगा। ये देखिए अभी हमारे टोस्ट ये सर्व करने के लिए रेडी हैं, आप टोस्ट एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।